तुमने या आपने मर्जी से शादी क्यों की, और वो भी तीसरी शादी। इमरान खान की शादी भी चैलेंज हो गई कश्मीर भारत की अदालत में। कश्मीर हमारा है आपका नहीं, भारतीय अदालत ने ऐसे क्यों कहा। इस्टेब्लिशमेंट का नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा हुक्म, क्या करने को कहा, किस तरह की अदायात दी गई और किस मुश्किल में है नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट। बिलावल भुट्टो जरदारी बिल आखिर दुल्हा बनने के लिए तैयार हो गई। आज इस पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरख तंदा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। दुनिया में मुख्तलिफ मजाहब हैं, उनके मानने वाले भी हैं, और मजाहब की अपनी हदूद और कयूद हैं, उनकी शरई हैसियत है। इस्लाम में चार शादियाँ जायज़ हैं। बाज चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका तल्लक दुनिया के आइन और कानून और के साथ होता है, और बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जिनका मसला शरई होता है। वो मसला क्या है जी, कि निकाह में इद्दत का केस काबिल समाअत करार दे दिया गया है, इसको शरई अदालत में होना चाहिए था, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं कुदरतुल्ला इमरान खान और बुशरा बीवी को 14 दिसंबर के लिए नोटिस जारी किए हैं। हाँ, अच्छा किया, बुलाओ उनको दोनों को अदालत में, लेकिन आप तो अदालत में भी पेश नहीं कर सकते। ये जो शरई अदालत में मसला शादियों का हल होना चाहिए था, फिर इनसे कोई ये पूछे कि आप आम अदालतों में तो कर रही हो, लेकिन ये इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म समाजी काम करने वाले का, वर्ल्ड कप जीतने वाले का, आम इंसान और मुसलमान का इस सियासत से और इन चीज़ों से क्या लेना देना। वो एक शादी करे, दो करे, तीसरी करे, इद्दत में निकाह का मामला, यानी कि अब आप उसकी शादी को भी चैलेंज करोगे कि निकाह इद्दत में जो है वो पढ़ाया गया, और वो जो मौलवी था उसको क्यों नहीं पूछते। इमरान खान ने फिर दोबारा उसकी इस्लाह भी कर ली, वो पॉजिटिव चीज़ क्यों नहीं कहते, और इसके ऊपर दीन क्या कहता है, शरीयत क्या कहता है, कहती है इसकी शरीय हैसियत क्या है, ये तो मुफ्ती मुनीब रहमान से पूछ लो, किसी शरीय अदालत से पूछ लो। तो आखिर आप इस केस को समाअत के लिए करार दे रहे हैं, क्या निकाल लेंगे इससे, इसका मुल्क और कौम के ऊपर क्या असर है। इस बात की इस्लाह भी जब हो गई तो अब आप उनकी जो इद्दत वाला केस था, निकाह हुआ, इसमें फांसी देंगे उसको, तोशाखाना में कुछ सजा दें, ये अलकादर ट्रस्ट वाले केस में सजा दें, फॉरेन फंडिंग वाला केस ले आएँ, को और करप्शन केस निकालें, ये क्या ऑडियो वीडियो, ये जना कर रहे थे, फलां चीज़ हो रही थी, इसने निकाह इद्दत के दौरान कर लिया था, फलां चीज़ हुई थी, कुछ जवाब बनाएं जिसमें पाकिस्तान की अवाम कन्विंस हो सकें, उसके बाद फांसी लगा दें इमरान खान को, आपके ऊपर कोई उफ नहीं करेगा। लेकिन ये क्या माजरा है, किस तरह के खेल खेल रहे हो, दुनिया चाँद पर पहुँच चुकी, 7G के ऊपर काम हो रहा है, 5G तो आ गया, लोग तरक्की कर गए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, क्या क्या चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, और आप पढ़ें जी कि फलां बंदे का निकाह इतना अरसा पहले जो है वो मुद्दत और इद्दत में हो गया था। ओ भाई, जब वो वज़ीरे आज़म बन गया था, ये तो निकाह उससे पहले था, तो उस वक्त ये चीज़ें लेके आ जाते, पहले ये फरिश्ते थे। सारी ज़िंदगी इमरान खान ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई FIR नहीं थी, लेकिन वज़ीरे आज़म पाकिस्तान क्या बना, ना तो 5 साल पूरे करने दिए। वज़ीर आज़म बनने के बाद हर वज़ीर आज़म जो है या तो दुनिया से चला जाता है, या जेल चला जाता है, या ओहदे से फारग हो जाता है, या फिर इद्दत और मुद्दत वाले केस और टूटी नलका चोरी करने वाले केस, भैंस चोरी का मुकदमा, चावल स्मगलिंग भुट्टो साहब के ऊपर, जाहिर अली के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा बनाया गया, फवाद चौधरी के ऊपर टूटी नलका, सदीकुल फारूक के ऊपर पपीते और नीम को तोहफे में देने का मुकदमा, ये क्या है। और उसी तरह से इमरान खान के साथ कर रहे हो, बेटे से तनख्वाह लेने वाला मामला नवाज शरीफ साहब के ऊपर बनाया, कल सजाएं दी, आज बहाल कर दिया, तो कल फिर आप इमरान को सजाएं भी दोगे, कल फिर नई इस्टेब्लिशमेंट आएगी उनको बहाल कर लेगी, लेकिन ये पाकिस्तान की अवाम उसके साथ खड़े हैं, क्यों कचुमर निकालने लगे उन सारी चीज़ों का। ठीक है, हम देख लेते हैं, जनाब इद्दत के दौरान निकाह हुआ था, ये तो अल्लाह को जवाबदेही होनी चाहिए थी, लेकिन आपके सामने भी इमरान खान जवाबदेह है, उसकी शादियां तक चैलेंज हो चुकी हैं, क्या क्या नहीं आप कर चुके। उसके अंदर भी सीने में दिल है, वो भी सोचता है, वो भी महसूस करता है, उसकी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, कितनी अजियत दे लोगे, देखते जाइए, सुनते जाइए, शर्म नाम की तो यहाँ कोई चीज़ नहीं है। कश्मीर बारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया, कहा गया कश्मीर भारत का टूट अंग है, ये कोई मुतनाज़ा इलाका नहीं, पहले तो पाकिस्तान कहता था ये हमारा है, कश्मीरी कहते हैं ये हमारा है, भारत कहता है ये हमारा है, सच बताओ ये है किसका, असल में ये मेरा है,
ये कश्मीरियों का है, ये ना पाकिस्तान का है कश्मीर, ना भारत का है। ये जब पाकिस्तान और भारत अंग्रेजों के साए में थे, अंग्रेज हुकूमत करता था कश्मीर की, तब भी अलाइदा हैसियत थी। आज जो हमारा वकील है उसको अपने लाले पड़े, जो उस वकील के क्लाइंट हैं कश्मीरी, उनके बारे में कोई पूछता ही नहीं है। और भारत की अदालत के अंदर जब मसला कश्मीर गया तो उन्होंने कहा जनाब ये हमारा है, अब क्या कर लोगे इसके ऊपर, करो एहतजाज, जलसे जुलूस करो, जब कुछ करना था तो किया नहीं, अब जब हालात अच्छे नहीं है तो कुछ कर नहीं सकते। तो भारतीय अदालत ने जो फैसला दिया है मुजामत करते हैं भाई, कश्मीर ना पाकिस्तान का है ना भारत का, ये सिर्फ कश्मीरियों का है, इसके ऊपर सिर्फ कश्मीरियों का हक है। अलग बात है हमें लीडरशिप मैसर आई, कुछ दुनिया से चले गए, कुछ जुल्म है, कुछ को शहीद कर दिया गया, 1,00,000 से ज़ायद लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी, दुनिया की सबसे तवील लंबी तारीख थी, लेकिन क़यादत होने के बावजूद क़यादत का फुकदान था। क्यों? इन्होंने मुख्तलिफ नारे लगाए, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हक की खुदरादियत, फलां फलां चीज़ें होती रहीं, तो जिस वजह से ये डाइवर्ट हुए, ना अपने मुखलस थे ना गैर मुखलस थे, बीच में आर और पार के कश्मीरी पिसे गए। आज कहाँ है हमारी हुर्रियत, कहाँ गए वो लोग? आप तो बॉर्डर एरिया में होने वाली हरकतों को भी रिपोर्ट नहीं कर सकते बतौर सहाफ़ी, तो कश्मीर की हैसियत हमने खुद मार दी थी, मैं भारत को क्या दोष दूँ? जब हमारा वकील ही लड़खड़ा गया, उसने अपने मुद्दई की बात ना मनवा सके, ना उस तरह से केस लड़ सके, तो फिर क्या करें? यहाँ पे हमारे सियासतदान ऐसे हैं, मैं पिछले दिनों एक क्लिप देख रहा था, तो उसमें कश्मीर के ऊपर बात हो रही थी, तो उनको खुद ही नहीं पता कश्मीर मसला है क्या, ये सिर्फ इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करते रहे। नो डाउट अच्छे लोग भी हैं जो आज भी लड़ रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इस कश्मीर के ऊपर भी हमने सियासत की, जिसके ऊपर दुख और अफसोस होता है, आप लोगों को पूछा जाएगा, मुझे भी पूछा जाएगा, मैंने अपने वतन के लिए, अपने उस रियासत के लिए क्या काम किया। ज़ाहिर है हम बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ लोग तहरीकें चलाते हैं, कुछ ने जान दी, कुछ अंधे हो गए, कुछ बहरे हो गए, कुछ लंगड़े हो गए, तो जिस जिसकी जो हैसियत थी वो हुआ था, लेकिन अब मायूसी के बादल छाए हैं, और भारत से कैसे मुकाबला करेंगे? इस्टेब्लिशमेंट ने आखिर ऐसा क्या कह दिया, कौन सा हुक्मनामा जारी किया और नवाज शरीफ साहब को हुक्म दिया कि भाईजान आप ऐसे कर लें? हुआ कुछ यूँ है, आपस में बैठते हैं, बातचीत होती है, चंद बड़े सर जोड़ के बैठते हैं, फिर क्या डिस्कस करते हैं कि मियाँ साहब देखिए ज़रा गौर कीजिए, अपने ऊपर भी गौर किया करें, हमें मकबूलियत चाहिए, फिर कबूलियत होगी, पैसे लगाएं, जलसे जुलूस करें, हम जहाँ जाते हैं जितने सर्वे करवाए देखे मैनेज किए, लोग तो इमरान खान का नाम ले रहे हैं, आप तो बहुत पीछे हैं, आपको तो जो हम देना चाहते थे, जो दे सकते थे सब दे दिया, प्रोटोकॉल, केस ख़त्म, मैट्रिक वहाँ पे करवाया, अभी भी वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल रहा है, पंजाब हाउस में ठहर रहे हैं, गवर्नर हाउस जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन भाईजान अवाम आपके साथ नहीं है, हर कोई इमरान खान का नाम ले रहा है, आप भी बाहर निकलो, जलसे करो, कॉर्नर मीटिंग करो, बड़े बड़े जलसे करो, बड़े बिरयानी पकाओ, कौरमा खिलाओ, जो मर्जी करो। तो इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब की तरफ देख रही है और नवाज शरीफ साहब उनकी तरफ देख रहे हैं और आवाम जो है वो इमरान खान की तरफ देख चुके हैं। तो अब जो चीज़ें सारी कर चुके थे, सारे प्लान हो गए थे, अब अगर वो प्लान पाकिस्तान के अवाम जो असल में ताकत का सरचश्मा है वो नहीं उसको पूरा होने दे रहे, तो आप फिर से रिवर्स गियर लगाओ, पलटा खाओ, हकीकत को मान लो तो बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकेंगे। वो आखिर कितनी दांधली कर लोगे? पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात थी, दो ताई अक्सरियत से नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने थे, उन्होंने अपने दौर में बड़े अच्छे काम किए थे, लेकिन आज जब बातें कहीं जदीद दौर था उन बातों से मुकर गए, लोगों को बातें समझ आ गईं, तो अब एक बंदा कालम लिखता है सोहेल बड़ाई साहब, तो वो ये कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का नवाज शरीफ साहब को ये मशवरा कि मकबूलियत चाहिए, कबूलियत फिर होगी। अंसार अब्बासी साहब कालम लिखते हैं नवाज शरीफ साहब को, भाईजान वो चाहते हैं कि लाडला ना कहा जाए, ये तो बड़े सख्त दुश्मन है पाक फौज के और इस्टेब्लिशमेंट के और फलां फलां चीज़ के, तो हकीकत कुछ और है और बयान कुछ और की जाती है। पेचीदा हालात में बिलावल की मंगनी रस्म कब होगी? 18 और 19 दिसंबर तक मुतवक्को तौर पर मंगनी होगी, मंगेतर मुतीदा अरब अमारात से है। मुबारक हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम चाहने वालों को कि उनके एक लीडर जो हैं वो शादी करेंगे और अल्लाह करे खैर खैरियत से मंगनी हो जाए, खैर खैरियत से सारी चीज़ें हो जाएं, सियासतदानों की मंगनी भी हो तो ये एक बहुत बड़ी खबर होती है।
तो देखते हैं कब मंगनी होती है, कब बारात जाएगी, कहाँ से शादी होगी, क्या चीज़ें होंगी। ताहम ये भी एक अपने आप में खबर है। अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। YouTube चैनल को आपसे सख्ती से गुजारिश है, सब्सक्राइब कीजिए। जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।